आज की इस वीडियो में हम टू लेयर वाला रफल दुपट्टा बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने पिंक कलर की 1.5 मीटर नेट ली है। तो ये दुपट्टा हम 6 से 7 ईयर बेबी के लिए बना रहे हैं, तो 1.5 मीटर लंबाई में दुपट्टा बनकर तैयार होगा। अगर आप फुल साइज में दुपट्टा बनाना चाहते हैं तो आपको 2.5 मीटर नेट की जरूरत होगी, जिससे कि 2.5 मीटर लंबाई में ये रफल दुपट्टा बनकर तैयार होगा। नेट के फैब्रिक को हमने लेंथ वाइज 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। अब इसे हम एक बार और फोल्ड करेंगे। तो ये हमारे पास 4 लेयर में फोल्ड हो गया है। तो लेंथ वाइज हमने इसे फोल्ड करा है। आप किसी भी साइज का ये दुपट्टा बनाकर तैयार करें। इसके बनाने की प्रोसेस यही रहेगी, थोड़ा सा मेजरमेंट अलग होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 लेयर में ये फैब्रिक आ गया है। अब हम इसे बराबर से सेट करके रखेंगे। ये हमने इसे बराबर से सेट करके रख दिया है। अब हम इसे विड्थ वाइज एक बार और फोल्ड करेंगे। हमने विड्थ वाइज इसे एक बार और फोल्ड कर दिया है। तो अब ये फैब्रिक हमारे पास 8 लेयर में आ गया है। अगर आप 2.5 मीटर में ये रफल दुपट्टा बनाकर तैयार करते हैं तो उसको भी आपको इसी तरह से फोल्ड करके रखना है। देखिए हमारे पास 8 लेयर है यहाँ पर, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो इंच टेप को हम इस तरह से रखेंगे। इस साइड से इसकी विड्थ हमारे पास है 16 इंच है यहाँ पर, तो इस 16 का आधा हो गया 8, तो 8 इंच पर हम मार्क करेंगे। इस साइड से भी हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इसकी लंबाई हम नाप लेते हैं, तो यहाँ पर लगभग 22 इंच है ये, तो 22 का आधा हो गया 11 इंच, तो 11 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमने इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। अब इस सेंटर पॉइंट से हमें मार्किंग करनी है। अब इस सेंटर पॉइंट से हम इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और लगभग 2.3 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से इंच टेप को घुमाते जाएंगे गोलाई में और 2.3 इंच पे मार्क करते जाएंगे। अगर आप 2.5 मीटर में दुपट्टा बना रहे हैं तो उसके लिए आपको सेंटर पॉइंट से लगभग 3.9 इंच पे मार्क करना होगा। 3.9 इंच पे इस तरह से गोलाई में निशान लगाते जाइएगा सेंटर पॉइंट से। तो हम यहाँ पर 1.5 मीटर ये दुपट्टा बना रहे हैं, तो यहाँ से हम निशान लगा रहे हैं 2.3 इंच पे। ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करके सारे निशानों को मिला देते हैं। अब हमने जो सर्कल बनाया है, इस सर्कल की लेंथ हमारे पास लगभग 15 इंच आनी चाहिए। तो इंच टेप को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और बराबर से इसे नाप लेते हैं। अगर आप 2.5 मीटर में बना रहे हैं तो इस तरह का जो सर्कल बनाएंगे उसकी लेंथ आप नाप लीजिएगा, तो वो लगभग हमारे पास 25 इंचेस आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बराबर से हमारे पास 15 इंच है इसकी गोलाई। तो इस तरह से हम 2 लेयर बनाएंगे, तो बराबर से 2 लेयर हमारे पास 1.5 मीटर तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ से हम रफल की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम इसे पिनअप कर लेते हैं। यहाँ से हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ से लगभग 6 इंच है यहाँ पर। इंच टेप को हम गोलाई में घुमाते जाएंगे और 6 इंच पर निशान लगाते जाएंगे। ये हमने चारों तरफ निशान लगा लिया है। अब सारे निशानों को हम लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब हम इसे कट कर लेते हैं।
सबसे पहले हम यहाँ से एक कट लगाएंगे जहां पर हमने लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ से हमें इसे कट करना है। तो सबसे पहले हम इसे बाहर की तरफ से कट कर लेते हैं। अब हम इसे अंदर वाले निशान से भी कट कर लेते हैं। ये हमने एक लेयर कट कर ली है। तो यहां पर देखिए, ये हमारा लेंथ वाला साइड है और आउटर एरिया है वो हमारा रफल वाला साइड है। तो यहां से हम इसकी लेंथ नाप लेते हैं। यहां से इसकी लेंथ हमारे पास लगभग 15.5 इंच आई है। तो यहां पर इतना मार्जिन हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो बराबर से 1.5 मीटर का हमारे पास ये दुपट्टा तैयार हो जाएगा। तो यहां से हम 4 लेयर अलग कर लेते हैं और 4 लेयर हम अलग रखेंगे कि 2 लेयर में हमें दुपट्टा बनाकर तैयार करना है। तो 4-4 पीस से हम 2 लेयर बनाकर तैयार करेंगे। तो ये हमारे पास 4 लेयर आ गए यहाँ पर। अब इनके ऊपर सिलाई लगाकर हमें जॉइंट लगाना है। तो सिलाई लगाते समय आप ध्यान रखें कि इनका जो अंदर वाला साइड है वो एक साइड रहे और बाहर वाला साइड एक साइड रहे। तो यहाँ से हमने ये 2 पीस उठा लिए हैं और यहाँ पर हमें सिलाई लगाकर इन्हें जोड़ना है। यहाँ पर हमें 2 पीस पर सिलाई लगाकर इन्हें जोड़ना है और उसके बाद में हम इन पीस को आपस में जोड़ लेंगे। तो 4 पीस को हमें जोड़कर 1 पीस बनाकर तैयार करना है। यहाँ पर इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पीस तैयार करने हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने 4 पीस लिए हैं, इनको हम सिलाई लगाकर ज्वाइन करेंगे। इनका अंदर वाला साइड है और जो बाहर वाला साइड है उसको हम मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। यहां से हम 2 पीस उठा लेते हैं, इनको हम बराबर से पकड़ेंगे और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा हमें सिलाई में दबाते हुए इन पर सिलाई लगानी है। ये हमने एक बार सिलाई लगा ली है इसके ऊपर। अब इसे हम इस तरह से दूसरे साइड टर्न करेंगे और जो हमने सिलाई लगाई है इस मार्जिन को हम अंदर की तरफ दबाते हुए इस पर एक सिलाई और लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने से सिलाई मजबूत भी हो जाएगी और जो मार्जिन है वो भी अंदर की तरफ दब जाएगा। ये हमने दूसरी सिलाई भी लगा ली है। अब देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ में ये सिलाई लग गई है और दोनों पीस हमारे जॉइंट हो गए हैं। तो ऐसे ही हमें सारे पीस जॉइंट करने हैं। अब हमारे पास जो 2 पीस हैं इन पर भी हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। ये हमने दूसरे पीस पर भी सिलाई लगा ली है। अब इसे हम
के साथ में ज्वाइंट कर लेते हैं, जिससे कि हमारी चार पीस एक साथ स्टिच हो जाएंगे। ये हमने चार पीस एक साथ सिलाई लगाकर जोड़ लिए हैं। ऐसे ही हम बाकी के चार पीस भी सिलाई लगाकर जोड़ लेते हैं। ये हमने दूसरे चार पीस भी सिलाई लगाकर जोड़ लिए हैं। अब देखिए, जो पहला पीस है इसका ये उल्टा वाला साइड है, जो दूसरा पीस है उसके उल्टे वाले साइड को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। तो दोनों की जो उल्टी वाली साइड है वो एक दूसरे की तरफ करते हुए हम रखेंगे। तो ऐसे में पकड़ना है इसे और यहाँ पर सिलाई लगाकर हम इन दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। जैसे कि हमारी दो रफल तैयार होंगी। ये हमने दोनों रफल को सिलाई लगाकर जोड़ लिया है एक साइड से। अब हमारे पास कटिंग में साइड में जो कपड़ा बच गया था उसमें से हम सीधी पट्टी निकाल लेते हैं। इसकी एक साइड से हम फिनिशिंग करेंगे। इसको बराबर से सेट करके रखेंगे और जितना कपड़ा हमें मिलेगा उतना हम बराबर से कट करके निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर दो स्ट्रैप निकालने वाले हैं। इसे डबल करके हम स्टिच करेंगे। आप चाहें तो सिंगल भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर नेट के कपड़े का यूज कर रहे हैं तो इसे हम डबल लेयर में स्टिच करेंगे तो लुक ज्यादा अच्छा आएगा और स्टिच भी दिखाई नहीं देगी। अब यहाँ पर हमारे पास एक और पीस है, इसको भी हम इसके बराबर से ही कट कर लेते हैं। अब साइड से जो किनारी वाला पार्ट है इसको भी हम निकाल देते हैं। ये हमने दो स्ट्रैप बराबर से कट कर ली हैं। अब इन दोनों स्ट्रैप को हम इस तरह से एक साथ पकड़ेंगे और एक साइड से हम इसे
इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने एक साइड से सिलाई लगा ली है। अब हम इसे दुपट्टे के साथ में स्टिच करेंगे। तो यहां से हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेते हैं स्ट्रैप को, और यहां से हम दुपट्टे के बिल्कुल यहां पर बराबर से इसे रखेंगे और यहां से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहां से लगभग आधा इंची जो स्ट्रैप है उसको हम छोड़ देते हैं और उसके आगे से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। दोनों स्ट्रैप को हम बिल्कुल बराबर से पकड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये हमने एक साइड से सिलाई लगा ली है। अब यहां से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस फैब्रिक को हम अंदर की तरफ दबाते हुए रखेंगे। दुपट्टे को इसके अंदर दबा लेंगे इस तरह से कॉर्नर से, और दूसरे साइड से जो मार्जिन है उसे भी हम अंदर की तरफ दबाते हुए इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। हल्का सा फोल्ड करेंगे स्ट्रैप को, इसके ऊपर बराबर से सेट करके रखेंगे और यहां पर हम इसके ऊपर किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं। अब यहां से एक्स्ट्रा स्ट्रैप को हम कट कर देते हैं और इसे हम अंदर की तरफ दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं। ये हमने दुपट्टे पर एक साइड में स्ट्रैप अटैच करके फिनिशिंग कर ली है और यहाँ पर दूसरे साइड हम इसके ऊपर पिको करेंगे। आप चाहे तो डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से डबल फोल्ड करें और सिलाई लगा लें, या फिर आप चाहे तो सिंपल पिको भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर हम यहाँ पर वायर वाली पिको कर रहे हैं। वायर वाली पिको करने से इसमें और भी अच्छा लुक आता है। आप चाहे तो सिंपल पिको भी कर सकते हैं। पिको वायर क्या होता है और वायर वाले पिको कैसे करते हैं, इस पर हमने डिटेल में अलग से वीडियो बनाया है। अगर आप डिटेल में ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। ये हमने दोनों लेयर पर पिको कर लिया है और आप देख सकते हैं वायर वाली पिको करने के बाद में इसमें कितना अच्छा रफल आता है और बिल्कुल मार्केट जैसा डिजाइनर के रफल दुपट्टा बनकर तैयार होता है।
ये हमने डेट मीटर में रफल दुपट्टा बनाकर तैयार कर लिया है। मेजरमेंट हमने बताया है, उसके हिसाब से आप 2.5 मीटर में भी ये दुपट्टा बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारे आज की 2 लेयर रफल दुपट्टे की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए पास के बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कीजिएगा ऑल के साथ में।